तो आप देख रहे हो L4LPU और आज हम बात करने वाले अपने फ्रेंड लोगों से जो कि हमारे यहाँ पे फ्रेंड है, हम तो फ्रेशर है उनके सामने, उनके यहाँ पे 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज उनसे सारा उनका एक्सपीरियंस जानने वाले हैं, कैसे 5 साल में आपको क्या क्या इसमें यूनिवर्सिटी में आपको दिखा है, मिला है, और क्या क्या आपने इस यूनिवर्सिटी से पाया है। और मैं उनसे सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, प्लेसमेंट से रिलेटेड, यहाँ की हॉस्टल फैसिलिटीज से रिलेटेड, और LPU अच्छा है या नहीं है, मतलब कि यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो चलिए करते हैं उन लोगों से बात। ये है हमारे दोस्त लोग, अब इनसे पूछते हैं क्योंकि इन्होंने तो अभी यहाँ पे 5 साल कंप्लीट कर लिए है और इन्होंने भी यहाँ पे 4 साल हो चुके हैं आपके, और आपके 2 साल। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ आपकी डिग्री कौन कौन सी है। करंटली MSc कर रही हूँ। ठीक। मैं यहाँ बीटेक कर रही हूँ। और आप? M.Pharm कर रही हूँ। M.Pharm। तो यहाँ पे आपको कैसा एनवायरनमेंट कैसा लगा है? सबसे पहले तो एनवायरनमेंट की बात करते हैं, कैसा लगा एनवायरनमेंट आपको? यहाँ का एनवायरनमेंट एज कंपैरिजन टू अनदर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है। आपको यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, को करिकुलर एक्टिविटीज बोलो, और सपोर्टिव यहाँ पे सब है। यहाँ के टीचर्स फ्रेंडली भी बहुत है। यहाँ पे बहुत सारे क्लब है जहाँ पे आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर सकते हो। उसके बाद से आपके अगर टीचर्स अच्छे मिल गए तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पे हर फैसिलिटीज है। अगर हम किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो आगे जाके हम अपने CV को भी एनहेंस कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप स्टूडेंट हो तो ये स्टूडेंट के साथ साथ आप यहाँ पे वर्क भी कर सकते हो, जो पार्ट टाइम वर्क होता है हम DSW में कर सकते हैं। इन शॉर्ट यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत है और तुम एक्सप्लोर बहुत कर सकते हो, खुद को एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक। मेरे ख्याल से एक तो ये इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में आती है और दूसरा यहाँ पे स्टूडेंट भी मेरे ख्याल से 50,000 के करीब हो गए या उससे ज्यादा। और ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते हैं। ठीक। अभी अगर हम एक अपने लोकल एरिया के कॉलेज से कंपेयर करें तो वहाँ पे 2 या 3 बिल्डिंग होती है। हाँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे 57 बिल्डिंग्स है। 60 ओ, 2 और बढ़ गई। मैं क्योंकि इन लोगों को ज्यादा नॉलेज है एज कम्पेयर टू मी। तो देखो अब बात करते हैं यहाँ पे प्लेसमेंट्स की, कैसी प्लेसमेंट की हालत कैसी है? यहाँ प्लेसमेंट तो बहुत अच्छी है, आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी अगर आप मेहनत करते हो। तो यहाँ अपॉर्चुनिटीज प्लेसमेंट की अच्छी है, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होगी। हाँ। लेकिन मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप घूमोगे फिरोगे पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर मुश्किल है, लेकिन अगर आप थोड़ा भी पढ़ते हो तो यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, आप अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो। अटेंडेंस अगर ठीक हो और पढ़ने में अच्छा हो, CS वगैरह दो तो अच्छे से प्लेसमेंट हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब बहुत सारे कंपनियों के कमी कंपनी है। और बीटेक वालों की तो अनलिमिटेड कंपनी है, जितना कंपनी है मुझे लगता है CSE वालों की आती है उतना किसी की नहीं आती है। हाँ ये बात है, ये बीटेक CSE के लिए तो बेस्ट कॉलेज माना जाता है, ये खुद कहते भी अपने आप में। अगर आपकी अटेंडेंस अच्छी है और अगर आप स्टडी में भी थोड़ा बहुत एवरेज है तो आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी 8-9। तो प्लेसमेंट वगैरह में ये बढ़िया कॉलेज है। अब बात करते हैं यहाँ पे, मतलब जैसे ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है तो अगर हमें कुछ यहाँ पे लाना खरीदना हो या कुछ करना हो तो क्या यूनिवर्सिटी के अंदर हो जाता है या फिर बाहर जाना पड़ता है? मॉल है, पूरा मॉल है, टक शॉप है, बहुत सारी कैफेज हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आइटम्स ड्रेसेस सब मिल जाएगी। अच्छा, कैंपस के बाहर आपको जाना ही नहीं पड़ेगा, जाना ही नहीं पड़ेगा भाई। वाह। अब बात यहाँ पे जैसे कि मैं बंगाली हूँ, आप लोग? मैं भी बंगाली। अच्छा, आप भी बंगाली? वही। वाह। आप कहाँ से? हरियाणा से। अच्छा, हरियाणा से हो? वैसे तो मैं UP से हूँ, बट जोक सपाट। तो जैसे आप सब अलग अलग रीजन से हैं, अगर आपका कोई अपने उधर का खाने का मन करे तो क्या यहाँ पे ऐसा कुछ है? हाँ, यहाँ पे फूड स्टॉल्स भी है। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे आप जा सकते हो। यहाँ पे फूड का तो वैरायटी है, कोई कमी नहीं है। अच्छा अच्छा, दिन भर खाओ। आप लोग क्या हॉस्टल में रहते हो या बाहर रहते हो? लोग हॉस्टल। क्या हॉस्टल के कितने सीटर रूम में रहते हो आप? 3 सीटर। 3 सीटर रूम में। तो मेरे को लगता है आप जैसे अभी यहाँ से इधर से आ रहे थे तो सारे वही हो, रूममेट्स। तो आप हॉस्टल के बारे में कुछ बताओ यार, कुछ न्यू। कुछ हॉस्टल्स जो है हमारे लिए अच्छी है क्योंकि वहाँ पे सारी चीजों की फ्रीडम भी है और सेफ्टी है। आपकी टाइमिंग है कि हाँ आप इतने से इतने बजे तक आ सकते हो, जो कि मेरे को अच्छी भी नहीं लगती कभी कभी। अच्छा अच्छा, क्योंकि बॉयज को फ्रीडम है। वैसे वैसे ये बोलते हैं कि देखा जाए तो सेफ्टी के तरफ से देखे तो घर वाले तो एकदम ऐसे रहते हैं कि हाँ बच्चा सेफ है, हॉस्टल में है तो सेफ है। और अगर कई बार अगर आप लेट भी हो रहे हो क्लासेस के लिए और अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आप पहुँच सकते हो, इजिली कवर कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं अपनी ही बताऊँ
मेरी क्लास यहाँ से पहले तो मेन गेट जाओ वो 1 किलोमीटर होगा, फिर उससे लो गेट जाओ वो 2 किलोमीटर होगा, डिस्टेंस 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। बट आप लोगों का ये है कि 500 मीटर में ही आप 5 मिनट में आ जाओगे। हम तो सुबह हमको थोड़ा पहले उठ के क्लास पकड़ सकते हैं, हम थोड़े लेट उठ सकते हैं। अच्छा अच्छा, पहाड़ वाले को जल्दी उठना पड़ता है। हाँ ये भी है, बट मुझे 1 घंटा पहले उठना पड़ता है, ये अंदर की बातें सारी। अब बात करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे आप लोगों ने बताया कि अच्छी टीचर्स है, अच्छे हॉस्टल्स है, अब यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ के एनवायरमेंट अच्छी है, टीचर्स अच्छे हैं, पढ़ाई भी अच्छी होती है, तो आप बिल्कुल, प्लेसमेंट भी अच्छा है, प्लेसमेंट भी अच्छी है, ओवरऑल इट्स अ गुड कॉलेज, गुड कॉलेज एलपीयू पंजाब में है। तो दोस्तों अभी हमने रिव्यू तो ले लिया है, काफी अच्छा रिव्यू है, काफी एक्सपीरियंस है यहाँ पे, इन्होंने 2-2 डिग्रियां कर रखी है, मुझसे तो कम, मतलब मुझसे तो ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो भाई अगर आपको एडमिशन लेना है तो नीचे एलपीयू नेस्ट का लिंक है, उसको आप फिल करो, क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी इनकी एलपीयू नेस्ट ही होती है, उसके बाद सारी चीजें होती है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं भाई, 50% ऑफ मिल रहा है एलपीयू नेस्ट पे, तो ले लो जाके। एकदम एकदम जल्दी 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 लो, चलो रूपाली लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए, डेफिनेटली लेना चाहिए। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो ना तो पूछ लेना, ठीक है, बाय बाय, सब्सक्राइब सब्सक्राइब।